यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर सीएम जनता को संबोधित कर रहे हैं। जो हमारे गांवों में पैदा होता है वो मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, सेल नहीं हो पाता था। 20-22, 18 से लेकर 20-22, 23 रुपए किलो मुश्किल से उसका चौलाई का मूल्य मिल पाता था। आज वहां पर 40 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो चौलाई का दाम उन्होंने गांव के किसान को दिया, उत्पादक को दिया, और उसको प्रोसेस करके 1,63,00,000 की इकोनॉमी केवल केदारनाथ जी के मंदिर से शुरू हुई। हमारे तमाम मंदिर हैं, हमारे तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। हमने उसको समझा और उसके आधार पर जब हमने ये प्लानिंग की तो हमको कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा मार्केट और इतनी अच्छी इनकम हमारी महिला समूह को होगी। लेकिन 1,00,00,000 उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने कही, 1,63,00,000 का प्रसाद उन्होंने बेचा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, हमारे पास वाटर बॉडीज हैं। उधम सिंह नगर जिले में 6 जल के बड़े बड़े जलाशय हमारे पास है, टिहरी जलाशय हमारे पास है, श्रीनगर का जलाशय हमारे पास है, उत्तरकाशी में मनेरी में जलाशय हमारे पास है। इन जलाशयों का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिए, इन पीने के लिए, इसी में ही उपयोग होता था। इस बार हमने उधम सिंह नगर में जो धोरा जो बांध है वहां पर गुलर भोज को हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, जो एक रोजगार का बड़ा आधार भविष्य में बनने वाला है, गुलर भोज को हमने उसके लिए चुना और हमने वहां पर वाटर स्पोर्ट्स कराए। सिंचाई हो रही है, मछली पालन भी हो रहा है, लेकिन अब हमने उसका इस्तेमाल ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए किया और देश के कई राज्यों के, मुझे लगता है कि 8-10 राज्यों के खिलाड़ी वहां पर आए और उन्होंने 3 दिन के उस स्पोर्ट्स में भाग लिया। और यही नहीं, हमने ये भी निर्णय लिया कि ये जो पानी है, इस पानी के ऊपर हम फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये सोलर का भी हम लोग, सोलर से भी हम कमाई करेंगे, उससे बिजली हम पैदा करेंगे। और उसका भी अभी 3 दिन पहले जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें हमने उसका निर्णय लिया और भविष्य में वहाँ से पर्याप्त मात्रा में हम सोलर एनर्जी भी वहाँ से जनरेट करेंगे। ये रिसोर्स, मैंने जो आपसे कहा कि हम रिसोर्स देखें, हमारे चारों तरफ जो रिसोर्स हैं, जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, कुछ परंपराओं ने हमको दिए हैं, उनको हम कैसे, उन रिसोर्स का हम राज्य के हित में, राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के हित में और उससे राजस्व कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से इस दिशा में सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य का क्षेत्र, स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और जिसमें देश के 10 करोड़ परिवार, लगभग 50 करोड़ की आबादी जिससे कवर हुई। हमने उससे थोड़ा आगे बढ़ करके उत्तराखंड के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से आच्छादित किया और सबको आज हमने हेल्थ कवरेज दिया है। और हमारी कोशिश है कि तमाम जो हमारी विषमता है, मैंने कहा कि भौगोलिक विषमताएं हमारे राज्य में हैं, उन विषमताओं को हम तकनीक के माध्यम से भी उसको पाटने का काम कर रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और आज हमारे 36 अस्पताल जो टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और एक उसमें टेली कार्डियोलॉजी से भी जुड़ा है, और तमाम हम तकनीक का सहारा लेकर के, और आज हमको भारत सरकार ने, हमारी जो टिहरी की जिलाधिकारी हैं, उन्होंने हेलो डॉक्टर करके एक ऐप चलाया और आज उसको भारत सरकार ने उनको गोल्ड मेडल दिया है कि गाँव में कैसे सस्ते में हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया और उनको उस पर अवार्ड मिला है। अभी आपने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना, जो कि उद्यमिता एवं रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित कर रहे थे।